गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। इसमें बड़े द्रव्यमान वाले पिंड छोटे द्रव्यमान वाले पिंड को आकर्षित करता है, जैसे सेब नीचे गिरता है क्योंकि यह पृथ्वी से आकर्षित होता है। हम खड़ा होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। सभी वस्तुओं की परवाह किए बिना कि वे जीवित प्राणी हैं या फिर कोई खगोलीय पिंड एक गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। यहाँ तक कि दूर के तारे भी पृथ्वी पर आकर्षण पैदा करते हैं, और भले ही ये तारे हमारे सूरज की तरह बड़े पैमाने पर हो, दो वस्तु के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उतना आकर्षण बल कमजोर होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पाया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में अंतरिक्ष का एक रूप है। अंतरिक्ष में तीन आयाम ऊंचाई चौड़ाई और गहराई शामिल है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड में एक विशाल वस्तु के चारों ओर अंतरिक्ष वक्र करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वक्रता उतनी ही अधिक होगी। आइंस्टीन ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक बल नहीं है, यह केवल अंतरिक्ष की वक्रता है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण के कारण जगह घटती है वह समय भी बढ़ाती है। इसका मतलब यह है कि समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अंतरिक्ष में और अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अधिक से अधिक गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे गुजरता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के इस सिद्धांत का परीक्षण 1919 में किया गया था। आइंस्टीन ने पोस्ट किया था कि अपने बड़े द्रव्यमान वाला सूर्य औसत रूप से अंतरिक्ष को बदल देगा, जिससे दूर के तारों से प्रकाश थोड़ा से विक्षेपित हो जाएगा क्योंकि यह सूर्य से गुजरता है। आमतौर पर सूरज से प्रकाश अन्य सितारों की तुलना में बहुत उज्जवल है, जिसका अर्थ है कि इस वक्रता का पता नहीं लगाया जा सकता। यह सूर्य ग्रहण के दौरान ही होता है। सूर्य के चारों ओर का प्रकाश एक ही समय में दिखाई देने वाले अन्य सितारों के लिए पर्याप्त रूप से मंद हो जाता है।